50 केजी का है, 5 केजी कमा रहा हूँ अब वो वीडियो काटे से सुबह 5 केजी कमा रहा, एक जने को 2 केजी कमाया, कई दफा भी ऐसा। अब हमें वहाँ से काटा होने के बाद ले जा रहा चक्कर, 5 केजी कमाया, नहीं वैसा नहीं था, 5 केजी कमाया उसके दो जिम्मेदार नहीं डाल एकदम नहीं भाई का आदमी कितने अदना तुमने भाई गए महीना वो महीना वो महीना सब महीने में वही साले ऊपर महीना भी वही था। नहीं ये बार नहीं कही था साहब, 5-5 के जी कम मारे, 5 के जी पूरा वीडियो के साथ करा, एक जने 5.5 के जी आया, एक जने 5 के जी आया, कितने के जी दारे तुम्हें, 2 के जी दारे 600, ये 1600 ग्राम आया, 400 ग्राम कमाते था सर, एक जने 150 आया, एक जने 1600 आया, नहीं क्या वो हिसाब क्या फुटा जा रहा है, क्या कर रहा है वीडियो पूरा कार्य से है साहब, क्या बोलू ना अगर ऐसा जल्दी एक बार एक हमारे से एक बड़ा एक बार माफ करो ऐसा नहीं बस तो मैं देख नेक्स्ट टाइम काटा चेंज हो जाएगा तुम्हारा, ये अब गरीबों का मार्ग खाद कैसा बोलो, कमाना बोले तो गलत है, गलत मैं बोल रहा ना गलत है, कई बोलते 40 दिन यही जिंदगी कर रहा हूँ, क्या ये लोगों को हमें भी तुम्हारे पास से डाल दिए, क्या था हमारे को थोड़ा नॉलेज आया बोल पाए ना क्या था ये अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। आप तमाम को मालूम होगा कि एक रायचूर डिस्ट्रिक्ट में जो वार्ड नंबर 29 एलबीएस नगर लाल बहादुर शास्त्री जो एलबीएस नगर एक रायचूर से जो बहुत बड़ा एक वार्ड है 29 वार्ड नंबर में जो यहाँ पर तकरीबन एक वार्ड नंबर 29 में 4 से 5 कूपन आते हैं जो इसके अंदर राशन देते हैं, जैसे कि मंथली हमारे को स्टेट गवर्नमेंट से हो या कर्नाटका गवर्नमेंट से जो राशन दिया जाता है गरीबों को, जो बीपीएल कार्ड हो, ए वाई कार्ड हो, जो ये कार्ड गवर्नमेंट से जो दिया गया है पब्लिक के हेल्प के लिए, तो जो यहाँ पर वार्ड नंबर 29 में जो नागेश कूपन बोल के कूपन है यहाँ पर, तो इसके और एक फर्जन का भी यानी इनका बेटे का भी एक कूपन है यहाँ पर और एक सुभाष बोल के कूपन है यहाँ से, तकरीबन उमा देवी बोल के एक कूपन है, ऐसे लगातार एक एलबीएस नगर वार्ड नंबर 29 में 5 से 6 से ज़्यादा तुम्हारे को कूपन मिले जाएंगे, क्योंकि एक रायचूर में सबसे बड़ा वार्ड और जो बैकवर्ड वार बोल सकते हैं, स्लम एरिया बोल सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्लम एरिया के लोग रहते हैं, तो ऐसे वार्ड नंबर 29 में ये नागेश कूपन के अंदर जो जुबाया जा रहा है, जो आदमियों को जो चावल देना है और जो गवर्नमेंट से गेहूं दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट तरह से नहीं पहुंच रहा है। आप तमाम को मालूम होगा कि इतने 2 साल से जो कोविड में हालत के अंदर जो गरीबी से जो गवर्नमेंट को जो दिया गया है 5% जो एक आदमी को 5 केजी स्टेट गवर्नमेंट 1 केजी 5 केजी एक्स्ट्रा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार एक आदमी को 10 केजी दिया है, तो मगर यहाँ पर ये चल रहा है कि ये लोग पूरे लूट रहे हैं, जहाँ तक कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरे लूटेखोर है। तो यहाँ पर सुबह हम लोग आके देखे यहाँ पर नागेश को प्राइवेटली बात करे हम लोग जाके वहाँ पर उसके जो चावल सेक्शन उधर बाजू डालता है, तो वहाँ पर जाने के बाद जो गवर्नमेंट से स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है आप लोग इलेक्ट्रॉनिक तराजू यूज करो बोल के दिया गया है, मगर यहाँ पर वार्ड नंबर 29 में नागेश कूपन जो है नागेश का जो इन्हें जो है ना तराजू पुराने जमाने की तराजू जैसा कि आप बोल सकते हैं कि निजाम जमाने के तराजू वो तराजू यूज कर रहे हैं, ये तराजू में लगातार
पांच के जी मारा जा रहा है। ये तराजू के अंदर एक आदमी के पीछे पांच के जी मारा जा रहा है, यानी एक कार्ड के पीछे पांच के जी मार रहा है। और उसी तरह तुम्हारे को बीपीएल कार्ड को एक पर्सन एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, बीपीएल कार्ड में एक पांच घर एक कार्ड में पांच जने थे समझो, तो 50 के जी चावल आता है, तो 50 के जी चावल देने के बगैर ये लोग 40 पर 5 के जी यानी 45 के जी चावल दे रहे हैं, 5 के जी एक कार्ड के पीछे मार रहे हैं। तो इसी तरह एक दिन में एक 50 कार्ड गए बोले तो कितना हुआ काउंट करो आप लोग। हमारी कौम कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये गरीबी से एक हालत इंडिया को गरीबी ला रही है बीजेपी गवर्नमेंट। ऐसे इसमें ये लोग कोपन वाले लगातार 5-5 के जी एक कार्ड के पीछे मार रहे हैं। फिर बीपीएल कार्ड को 2 के जी गेहूँ दिया जा रहा है, मगर यही गेहूँ को देने के 2 के जी बगैर दे रहे 2 के जी, एक कार्ड में 5 से 10 जने रहे तो 2 के जी दे रहे, ये 2 के जी में आधा के जी गेहूँ भी मारा जा रहा है। तो ये रायचूर में ये एक ही बोलते कोपन नहीं बोला हमें, लगातार रायचूर में 35 वार्ड है, 35 वार्ड में भी ऐसा ही गफलत हो रही है, ऐसे ही चोरी कर रहे हैं। बड़े से बड़े चोरा पूरे फुट ऑफिस डिपार्टमेंट में भरे हुए हैं। यहाँ तक कि ये नागेश जी ये जो भी कोपन वाले बता रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है इसमें, ये जो भी है जो फुट ऑफिसर जो है उन्हें हमारे को एक एक कोपन से 8-8 क्विंटल चावल मांगता है, तो इसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे बोल के बता रहे। तो यहाँ पर पता ये चलना है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को यहाँ पर जो भी फूड ऑफिसर जो खा रहे हैं फूड डिपार्टमेंट से जो फूड आ रहा है, जो जनता बजट को मिलना है, जो जनता के लिए ये जो बनाया गया है ये बराबर उनको हकूक मिलना है बोल के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर से अपील करता है। और आज ये कूपन भी हम बनकर आए, आप लोग अगर यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू यूज करके पब्लिक को एक पर्सन के कार्ड के अंदर 10 आदमी रहे तो 10 के जी देना है, यानी एक कार्ड में 10 आदमी रहे तो कितने के जी, तो उसके हिसाब से के जी देना है, मगर यहाँ पर नहीं चल रहा है। इसके लिए ये नागेश जी ने आज कूपन बन करके चले गए और वो ये भी बोले कि मेरे से गलती हुई है, मैं नेक्स्ट मर्तबा नहीं करता बोल के बोले। इन्होंने लगातार लाल बहादुर शास्त्री में 25 साल तक के लोग कूपन चला रहे हैं, तो सोचिए कितना कमाए हैं लोग पैसे, गरीबों के मार मार के कितना पैसे कमाए हैं। 2 साल से कोविड के हालत में हम लोग लगातार इतने मुश्किलात में आए हैं, यहाँ पर गरीबी से गरीबी स्लम एरिया है एलबीएस नगर वार्ड नंबर 29 में, मगर ये लोग गरीबी का पैसा खा रहे, बराबर इनका पैसा हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। आप लोगों को मैं ये डिमांड कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ रायचूर से, ये डिमांड कर रहा हूँ एसडीपीआई से, नेक्स्ट जहाँ भी वार्ड हो ग्राम पंचायत हो या पंचायत हो खेड़े गाँव में भी ऐसे इश्यूज नहीं आना है, बराबर गरीबों को जो कार्ड में जो दिया गया है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो दिया गया है उसके हुकूक बराबर हर एक पब्लिक को मिलना बोल के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से डिमांड करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जिलानी पाशा, डिस्ट्रिक्ट एसडीपीआई जनरल सेक्रेटरी।